नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक फेसबुक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मुंडवा की, जहां पर है राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र मुंडवा पहुँच चुके हैं। और मुंडवा में आज आयोजित हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राजस्थान के महामहिम में राज्यपाल कलराज मिश्र मुंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही नवीन छात्रावास भवन के लोकार्पण किया। इस दौरान सबसे पहले राज्यपाल ने वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति के सामने पुष्प एवं माला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुंडवा पहुँचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र का नागौर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया सहित पुलिस के आला अधिकारी व नागौर के आला अधिकारी मौजूद रहे और राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत किया। तो सुनिए आप भी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुंडवा में वार्षिक उत्सव के दौरान क्या कहा। समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। महिलाएं हमारे यहाँ देवी रूप में, शक्ति रूप में पूजी जाती रही है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, सुलभा, वाजकरवी, लीलावती इत्यादि विदुषी महिलाओं के हमारे देश में जब से महिलाओं के महत्व को हमने कम किया तभी से समाज में पतन का दौर भी शुरू हो गया। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। मैं लोग जोधा तेजा जी के इस धरा पर उन्हें बारंबार नमन करता हूं। मैं मानता हूं कि तेजा जी लोग देवता नहीं, हमारे संस्कृति के आलोक है। उन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। अभी किसी ने कहा कि शेषा अवतार रूप में तेजा जी को माना जाता है, कोई कहा नहीं सुना। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में ही वीर तेजा को पूजा जाता है। ऐसे दिन महापुरुष देवता के नाम पर उनके बताए आदर्श मार्ग को केंद्र में रखकर यहाँ इस महिला शिक्षण शोध संस्थान की स्थापना सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अगर नंबर देना हो तो मैं 100% नंबर दे सकता हूं। इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ। सांसद कार्यक्रम में भाग लेने वाली जितनी छात्राएं थी सबको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और जो जिनने जिम्नास्टिक में कार्य किया, बाद में उन्होंने डेमो किया, उनकी भी उत्कृष्टता अद्भुत थी। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। यह बहुत सुखद अवसर है कि आज वीर तेजा जी जयंती के अवसर पर इस वार्षिक समारोह का आयोजन यहां किया जा रहा है। मैं लोग देवता वीर तेजा जी को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान को महिला शिक्षा और अनुसंधान में देश में ही नहीं विश्व भर में अग्रणी बनाए। आप सभी के साथ आज यहां इस शिक्षण और शोध संस्थान में उपस्थित होकर मुझे इस रूप में भी बहुत सुखद लग रहा है। इस संस्थान पूरी तरह से महिला शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मारवाड़ के सुदूर मुंडवा नागौर में इस तरह का यह संस्थान संचालित है। मैं समझता हूं महिला शिक्षण और अनुसंधान के लिए इसी तरह सुदूर स्थानों पर आदरणीय श्री धाम जी, आदरणीय श्री धर्म जी कुलरिया साहब और आदरणीय
श्रीमती शीतल जी दुग्गर साहिबा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुख्य मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। सम्मान्य श्री धर्म जी कुलरिया साहब और आदरणीय श्रीमती शीतल जी दुग्गर साहिबा पधारे और हमारी रेडियो की जो एफिशिएंसी है, उनकी कार्य करने की क्षमता है, पोटेंशियल है, वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपका दिया हुआ जो अंशदान है वो किस तरीके से पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। तो लास्ट एक बैठी आ गई थी और राज की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।